हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल इसके लिए फैंटेसी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के बीच में जो वर्ल्ड कप की मैच खेले जाएंगे उसी के बारे में। यहाँ पर दोनों टीम की मैच होने की प्रेडिक्शन को लेकर बात की जाए तो न्यूजीलैंड लगातार दोनों मैच जीत के आ रहा है। तो न्यूजीलैंड के पास दोस्तों मोमेंटम भी है और काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में भी है, स्पेशली डेवन कॉन है, रचिन रविंद्रा, इनके पास मैक्सिमम खिलाड़ी फॉर्म में है। ठीक है, लास्ट मैच में टॉम लैथम भी अच्छे परफॉर्मेंस किए थे, डैरी मिचेल ने भी अच्छे परफॉर्मेंस किए थे, लेकिन भाई ये मैच खेले जाएंगे चेन्नई में तो यहाँ पर आपको बेहतरीन मैच देखने मिलेंगे क्योंकि दोनों ही टीम के पास काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, स्पेशली स्पिन डिपार्टमेंट। बांग्लादेश के पास देख रहे साकिब उल हसन है, मेहदी हसन मिराज और मेहदी हसन तीनों अच्छे क्वालिटी स्पिनर है। वहीं पर दोस्तों न्यूजीलैंड के पास भी अगर देखोगे तो मिचेल सैंटनर, ईश सोधी और या फिर रचिन रविंद्रा तीनों टॉप क्वालिटी स्पिनर है। मैच भाई बिल्कुल स्पिन पर ही डिपेंडेंट रहेंगे, जैसे कि फास्ट मैच इसी ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के बीच में हुए थे और इंडिया के सब स्पिनर कितना कमाल का बॉलिंग किए थे तो आपने देख ही लिया होगा। रविंद्र जडेजा क्या कमाल का बॉलिंग किए थे, जिसको हम लोगों ने कैप्टन बनाए थे, तीन विकेट चटकाए थे। कुलदीप यादव ने भी कमाल का बॉलिंग किए थे, रविचंद्रन अश्विन ने भी कमाल का बॉलिंग किए थे। तो यहाँ पर भाई बोलना थोड़ा सा कठिन ही रहेगा। ठीक है, जो भी टीम भाई आप स्पिन को अच्छे से खेलेंगे वही मैच को विन करेंगे। फिर भी दोस्तों मेरे हिसाब से 60% चांस रहेंगे न्यूजीलैंड की और 40% चांस रहेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश जब पहले बैटिंग करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रगल करेंगे और यहाँ पर दोस्तों न्यूजीलैंड जब पहले बॉलिंग करेंगे तो आसानी से मैच को जीत के जा सकते हैं। तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए कौन डिफरेंस पिक रहेंगे, क्योंकि इस मैच में आपको काफी सारे बेहतरीन ऑप्शन देखने मिलेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, कुछ आपको वीडियो पता चल जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिएगा। और अभी जो आपको वीडियो में टीम देखने मिलेंगे वो एक डेमो टीम रहेंगे, बाकी फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल के लिंक आप किसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, उस लिंक से ज्वाइन हो जाइएगा। और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन करके रख लेना ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। और देखिए चेन्नई में जो मैच खेले गए थे वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग कर तो 199 बनाए थे और इंडिया ने भी आसानी से जीते थे, लेकिन पहले उनको तीन विकेट गिर गए थे, वो भी दोस्तों रोहित शर्मा और या फिर ईशान किशन से तीनों जीरो रन पे आउट हुए थे। विराट कोहली और के राहुल मैच को विन करवाए थे। देखो स्पिन डिपार्टमेंट ने कितना कमाल का बॉलिंग किए थे, अश्विन ने 10 ओवर में सिर्फ 34 रन दिए थे। फिर देखिए कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 42 रन दिए थे, रविंद्र जडेजा 10 ओवर में सिर्फ 28 रन दिए थे। भाई अब 30 ओवर में देखो कितने रन बनाए थे, मतलब बिल्कुल भी रन नहीं बना पाए थे ऑस्ट्रेलिया ने और यहीं पर जाके मैच फंस गया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने फास्ट बॉलर को अच्छे खेल रहे थे, जब स्पिनर आ गया भाई तब से ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रगल किए थे। तो इस मैच में भी आपको वही चीज देखने मिलेंगे, अफगानिस्तान के साथ जब बांग्लादेश मैच खेले थे यहाँ पर तो कंफर्टेबल मैच विन किए थे, तांजी दास पांच रन बनाकर आउट हुए थे। लीजन दास लास्ट मैच इंग्लैंड के सामने बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस किए थे, फॉर्म में आ गए हैं तो आप इनको पिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रगल कर सकते हैं ट्रेंट बोल्ट के सामने। ठीक है, मेहदी हसन मिराज 57 बनाए थे, फिर देखे सांतो ने 59 बनाए थे, साकिब उल हसन 14, मुस्तफिकुर रहीम 2 रन बनाए थे। बांग्लादेश की बॉलिंग देख सकते, तस्किन ने 1 विकेट, शरीफ उल इस्लाम 2 विकेट, मुस्ताफिजुन ने 1 विकेट, साकिब 3 विकेट, मेहदी हसन मिराज 3 विकेट और यहाँ पे महमूदुल्ला एक ओवर बॉलिंग किए थे। यहाँ पर देखिए लास्ट मैच जब बांग्लादेश खेले थे इंग्लैंड के सामने तो इंग्लैंड ने काफ़ी ज़्यादा रन बना दिए थे और यहाँ पे बांग्लादेश बिल्कुल भी अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे। लिटन दास हालांकि बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस किए थे, देख सकते 76 बनाए थे, यहाँ पर तांजी दासन 0, सांतो 0, फिर देख सकते हैं साकिब ने 1 रन बनाए थे, मेहदी हसन मिराज 8 रन बनाए थे। मुस्तफिकुर रहीम एक स्पिनर का अच्छे बैट्समैन है तो आप इनको इस मैच में पिक कर सकते हैं, 51 रन बनाए थे। तो ही दीदा 61 गेंद में 39 बनाए थे, मेहदी हसन ने 14, तस्किन ने 15 रन बनाए थे, शरीफ उल ने 12 रन बनाए थे। आइए बॉलिंग से भी परफॉर्मेंस देख लेते हैं, मुस्तफिक 10 ओवर में विकेट ले, तस्किन ने 6 ओवर में 1 विकेट, शरीफ उल इस्लाम 3 विकेट, मेहदी हसन ने अच्छी बॉलिंग किए थे 4 विकेट, साकिब ने 10 ओवर में 1 विकेट, मेहदी हसन मिराज यहाँ पर उतना अच्छा बॉलिंग नहीं कर पाए थे, 6 ओवर में 55 रन दिए थे, विकेटलेस गए थे। लास्ट मैच की परफॉर्मेंस देख सकते हैं जहाँ पर नेदरलैंड्स के साथ खेले थे और कंफर्टेबल मैच क्वीन किए थे। बॉलिंग से परफॉर्मेंस देख सकते हैं ट्रेंट बोल्ट विकेटलेस, मैट हेनरी 3 विकेट, मिचेल सैंटनर 5 विकेट और इस मैच में बहुत ही बड़े पिक बनेंगे, चाहो तो वाइस कैप्टन बना सकते हैं। लुकी फर्गसन विकेटलेस पे थे, रचिन रविंद्र भाई 1 रन में बैटिंग करके कमाल का फॉर्म है भाई, एक मैच में सेंचुरी और एक मैच में 50 बनाए थे और बॉलिंग भी 10-10 ओवर की कंप्लीट कर रहे थे, कैप्टनसी का सेफ ऑप्शन रहेंगे। ग्लेन फिलिप्स भी आपको इस मैच में बॉलिंग करते नजर आ जाएंगे क्योंकि स्पिन फ्रेंडली ट्रैक है तो आपको 5 ओवर बॉलिंग दे सकते हैं बंदा। ठीक है, तो आप इनको पिक कर सकते हैं। बैटिंग से बाद देखिए डेवन कॉन 32 बनाए थे, विली यंग ने बहुत ही बड़े परफॉर्मेंस किए थे 70 बनाए थे, रचिन रविंद्र 51, फिर देखिए डैरी मिचेल ने 48, लैथम ने 53 बनाए थे, ग्लेन फिलिप्स फ्लॉप गए थे, चैपमैन ने फ्लॉप और अभी मिचेल सैंटनर लास्ट में आके काफी कमाल का परफॉर्मेंस किए थे, 36 रन बनाए थे सिर्फ 17 गेंदों में। ठीक, इस वर्ल्ड कप की फास्ट मैच की परफॉर्मेंस देख सकते हैं जहाँ पर इंग्लैंड ने 282 बनाए थे और यहाँ पर न्यूजीलैंड 36 ओवर में मैच को विन किए थे। डेवन कॉन यहाँ पर देखिए 152 पर नॉट आउट थे, विली यंग पहली गेंद पर आउट हुए थे, रचिन रविंद्र यहाँ पर 123 पर नॉट आउट थे। बॉलिंग से परफॉर्मेंस देख लीजिए, यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट 1 विकेट, मैट हेनरी 3 विकेट, मैट हेनरी लगातार 2-3 विकेट लेके जा रहे थे, बहुत ही बड़े पिक बन जाएंगे। मिचेल सैंटनर यहाँ पर भी 2 विकेट चटकाए थे, मिचेल सैंटनर देखिए भाई कितना किफायती बॉलिंग कर रहे हैं, हर मैच में बंदा विकेट टेकर है, जिस भी ग्राउंड में खेले इनको विकेट मिल ही जाता है और इस ग्राउंड में बहुत ही बढ़िया पिक बनेंगे भाई वाइस कैप्टनसी के लिए। जिमी रिजाम यहाँ पर विकेट लेस, रचिन रविंद्र 10 ओवर में 1 विकेट और ग्लेन फिलिप्स 3 ओवर में 2 विकेट चटकाए थे।
सबके लिए एक बहुत ही शानदार और बढ़िया सा एप्लीकेशन लाया हूँ जिसका नाम है क्रिकवैन। इस एप्लीकेशन का दोस्तों क्या खूबी है मैं आपको बताऊँगा। ऑलरेडी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेलीग्राम चैनल में उनको तो पता है क्योंकि इस एप्लीकेशन मैं कुछ दिनों से ऑलरेडी प्रमोट कर रहा हूँ। और मैं क्यों इस एप्लीकेशन का प्रमोट कर रहा हूँ आपको भी पता चलेंगे थोड़ी देर में। जब इस एप्लीकेशन के बारे में जान लोगे ना तो भाई आप खुद से इस एप्लीकेशन का लिंक ढूंढने लगोगे। भाई देखो ऑलरेडी आप 30% TDS हर एप्लीकेशन में दे रहा है। अगर आप दोस्तों 10,000 आप विनिंग करते हो तो भाई इनमें से आपको 3,000 TDS के नाम पर देना पड़ता है, ठीक है। तो भाई ये बहुत बड़ी रकम होती है, 3,000-10,000 में आपको भरना पड़ता है। लेकिन इस एप्लीकेशन में दोस्तों आपको 1 रुपया भी TDS के नाम पर ना देना होगा और ना ही GST के नाम पर, यानी आपका TDS और आपका GST, ठीक है, सब यहाँ पर कंपनी पे करेंगे। तो भाई इससे बेहतरीन एप्लीकेशन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ना तो आपको कोई TDS देना होगा और ना ही भाई यहाँ पर आपको कोई GST भरना होगा। तो भाई इस एप्लीकेशन को आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर रहा है, फटाफट डाउनलोड करो। आपको इसी वीडियो के फास्ट कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे, उस लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों रेफरल कोड SK11 जरूर डाल दीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हालांकि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे, फिर भी अगर कुछ भी दिक्कत आए, ठीक है, वेरिफिकेशन वगैरह लेके कुछ भी लेके मुझे दोस्तों इंस्टा पे बता सकते हैं, मैं आपका प्रॉब्लम तुरंत ही सॉल्व करवा दूंगा। इस एप्लीकेशन में दोस्तों आपको इंस्टेंट विथड्रॉल भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो भाई और क्या चाहिए आपको, ना TDS ना GST, ठीक है, इंस्टेंट विथड्रॉल। इस एप्लीकेशन ना हर किसी एप्लीकेशन से भाई लेस कमीशन ले रहा है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो किसी भी मैच की कॉन्टेस्ट खोल के देख लेना, मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ कि इस एप्लीकेशन कितना ज़्यादा लेस कमीशन लिए जा रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी एप्लीकेशन के साथ अगर कंपेयर करके देख सकते हैं, मैं किसी भी एप्लीकेशन का नाम नहीं लूँगा, आप खुद देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा लो कमीशन लिए जाते हैं आपसे, ठीक है। ठीक है भाई यहाँ पर आपको कोई TDS नहीं देना होगा, ना तो कोई GST। उसके बाद भी देखिए भाई यहाँ पर कमीशन देखिए कितना ज़्यादा लेस है, आप खुद देखो यहाँ पे, ठीक है भाई। तो समझदार बनिए और अपना पैसा का इज्जत करना सीखे, ठीक है। आप जितना ज़्यादा पैसा बचाओगे आपके लिए उतना ही फायदा। भाई ये वाली कॉन्टेस्ट आप एक बार देख लो, आप किसी भी एप्लीकेशन को खोल के देख लेना, ये वाली कॉन्टेस्ट आपको मिनिमम 1,080 में मिलेंगे। कॉन्टेस्ट खेल के आपका 50 रुपया सेव हो रहा है। तो भाई क्रिक फैन आपके लिए कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है और कितना ज़्यादा सुइटेबल है आपको तो समझ में आ गया होगा। और आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो भाई जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन पे या फिर फास्ट कमेंट पे भी आपको लिंक मिलेंगे, उसी लिंक से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर खेल के अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर आप जितना ज़्यादा विनिंग करोगे उतना ही दोस्तों आप विड्रॉल कर पाओगे, 1 रुपया भी आपको TDS और GST के नाम पर नहीं देना होगा। विकेट कीपिंग सेक्शन में देखिए डेवन कॉन है, लिटन दास, टॉम लेथम, मारो पे मुस्पिक, रहे चारों ही खेलते नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे डेवन कॉन है तो भाई आप इनको ड्रॉप कर ही नहीं सकते, बहुत ही कमाल का खिलाड़ी है, फॉर्म में भी बहुत ही शानदार है। फिर देखो अगर टॉम लेथम इंपॉर्टेंट पिक बन सकते जब पहले बैटिंग करेंगे। लिटन दास लास्ट मैच में बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, इस ग्राउंड में रन बनना काफ़ी मुश्किल रहेंगे। मुस्पिक रहीम भाई स्पिनर के एक अच्छे खिलाड़ी माने जाते, आप इनको पिक कर सकते, विकेट कीपिंग भी करेंगे। मैं फिलहाल दोस्तों यहाँ पर डेवन कॉन को पिक कर रहा हूँ। बैटिंग सेक्शन देखिए डैरी मिचेल, विल यॉन्ग, यहाँ पर नाजमुल हसन संधो, ग्लेन फिलिप्स, काफ़ी कमाल का खिलाड़ी आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पर देखिए केन विलियमसन अगर दोस्तों फिट हो जाएंगे तो भाई जरूर इस मैच खेलेंगे, और जब खेलेंगे तो आप इनको डिफॉल्ट पिक में रखिएगा, बाकी नीचे कोई खास ऑप्शन है नहीं। तो मैं यहाँ पर दोस्तों डैरी मिचेल को पिक करूँगा। और यहाँ पर देखिए नाजमुल हसन संधो, विल यॉन्ग और ग्लेन फिलिप्स, इस मैच में ना ग्लेन फिलिप्स आपके लिए बहुत ही बढ़िया तागड़ा डिफेंसर भी बन सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग दे सकते हैं, स्पिन फ्रेंडली पिच है तो भाई इनको बॉलिंग करने का मौका मिलेंगे। अगर बॉलिंग करने के आएंगे तो विकेट भी लेके जा सकते हैं, और बैटिंग तो अच्छा कर ही लेते हैं, और फील्डर भी काफ़ी शानदार फील्डर है, तो कैचिंग पोजीशन में हमेशा रहते, एक आधा कैच इनको मिल भी जाते हैं, तो आप इनको चाहो तो बैक कर सकते। फिलहाल मैं इनको पिक नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं दोस्तों सोच रहा हूँ कि विल यॉन्ग और नाजमुल हसन संधो इन दोनों में से किसको पिक किया जाए। मैं फिलहाल दोस्तों यहाँ पर नाजमुल हसन संधो को पिक कर रहा हूँ, इनका रिसेंट फॉर्म देखते हुए, ठीक है। ऑलराउंडर सिक्स में देखिए रचिन रविंद्र, साकिब अल हसन, मिचेल सैंटनर और मेहदी हसन मिराज, और यहाँ पर एम हसन यानी मेहदी हसन, ये पाँचों इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, क्योंकि पाँचों आपको देखना इस मैच में कंप्लीट 10 ओवर की बॉलिंग दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पिनर ट्रैक है तो स्पिनर को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिए जाएंगे। इस सेक्शन देखिए मैट हेनरी आपके लिए बहुत ही बड़े पिक बनेंगे, ट्रेंड बोल्ट बहुत ही अच्छा पिक बन जाएंगे, सोरीफुल इस्लाम, देखिए तस्किन अहमद, मुस्तफिज रहमान का सिलेक्शन देखिए सिर्फ 10% है, और ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया ताकत डिफरेंशियल पिक बन सकते हैं। आपको पता होगा मुस्तफिज रहमान काफ़ी वेरिएशन वाला बॉलर है, इनके पास काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है, तो इनको विकेट भी मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी नीचे देखिए इस सोदी, एक बंदा इस मैच में ना बहुत ही बड़े डिफरेंशियल पिक बनेंगे, अगर खेलेंगे तो मेरे टीम में दोस्तों जरूर रहेंगे, मैं इनको जरूर पिक करूँगा अपनी टीम में, क्योंकि ये आपको अच्छे खास विकेट दिला के जाएंगे इस मैच में। बाकी देखिए आप दोस्तों नासू महमूद को भी खेलाया जा सकता है, और यहाँ पर टीम साधु फिट होगा तो मोस्ट ऑफ खेलेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोकी फर्गुसन बिल्कुल भाई फॉर्म में है नहीं, तो लोकी फर्गुसन को जाकर टीम साधु को भी खेलाया जा सकता है अगर अवेलेबल होगा तो, ठीक है। मैं फिलहाल दोस्तों यहाँ पर पिक कर रहा हूँ जो रहेंगे मेरी टीम में मैट हेनरी, फिर दोस्तों मैं जा रहा हूँ ट्रेंड बोल्ट, और मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ इस सोदी को। अगर आपको इस सोदी नहीं चाहिए तो आप बिल्कुल इनको ड्रॉप करके मुस्तफिज रहमान या फिर सोरीफुल इस्लाम या फिर दोस्तों तस्किन अहमद किसी को भी पिक कर सकते हैं मैं सोदी के साथ। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो रचिन रविंद्र, मिचेल सैंटनर,
मेहदी हसन, मिराज, साकिब उल हसन, ये चारों सबसे बेहतरीन पिक रहेंगे। और बैटिंग सेक्शन में रहेंगे डेवॉन कॉर्ने। इस मैच में किसी भी बैट्समैन पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई ग्राउंड ही ऐसा है। तो मैं कैप्टन दूंगा रचिन रविंद्रा को, वाइस कैप्टन से फिलहाल साकिब उल हसन को दिया हूँ। आप दोस्तों रिक्स लेके यहाँ पर बिल्कुल मिचेल सैंडर को बना सकते हैं, क्योंकि बंदा विकेट टेकर है, आपको 3 से 4 विकेट दिला के जा सकते हैं। स्पेशली न्यूजीलैंड जब पहले बैटिंग, तो आप इनको बिल्कुल वाइस कैप्टन बना सकते हैं, क्योंकि आपको बैटिंग से भी कुछ पॉइंट दिला के जाएंगे और बॉलिंग कंप्लीट 10 ओवर करेंगे तो मिनिमम 2 विकेट तो लेके ही जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही बड़े पिक बनेंगे डिफेंडर, ठीक है, आप इनको बना सकते हैं। फिलहाल मैं साकिब उल के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि आपको 10 ओवर की कंप्लीट बॉलिंग देंगे, लेकिन बैटिंग से अभी तक इस ऑल का मैं ज़्यादा कुछ किया नहीं, लेकिन ये कभी भी अच्छे खासा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। स्पिन ट्रैक पर दोस्तों ये ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते, तो यहाँ पर इनके लिए बैटिंग से रन बनाना थोड़ा मुश्किल रहेंगे। तो बिल्कुल भी फाइनल टीम नहीं है, अगर आपको फाइनल टीम चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। या फिर वो देख सकते हैं विकेट टीम सेक्शन में डेवॉन कॉर्ने को पिक किया हूं, बैटिंग सेक्शन के नाजुल हसन शांतो की देखिए डैरी मिचेल को पिक किया हूं। नाजुल हसन शांतो की जगह आप किसी भी प्लेयर को पिक कर सकते, अगर केन विलियमसन खेलेंगे तो मैं दोस्तों नाजुल हसन शांतो की जगह केन विलियमसन को पिक कर लूँगा, या फिर आप चाहो तो इनकी जगह किसी और को भी पिक कर सकते, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑलराउंडर सेक्शन में साकिब उल हसन को पिक किया हूं, मिचेल सैंटनर फिर देखिए मेहदी हसन मिराज और फिर रचिन रविंद्र को पिक किया हूं। बॉलिंग सेक्शन देखिए ट्रेंट बोल्ट, इस सोदी और मैट हेनरी को पिक किया हूं। यहाँ पर देखिए भाई बांग्लादेश जब पहले बॉलिंग करेंगे तो आप अपने नाजमुल हसन शांतो की जगह या फिर मेहदी हसन की जगह आप चाहो तो मुस्तफ़ी रेमन को पिक कर सकते हैं। रीज़न आपको बता दिया हूँ कि वो बंदा इस मैच में इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, ठीक है। आप इस टीम का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, बाकी जो भी चेंजेस होंगे, जो भी फाइनल टीम रहेगा, वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन होना ना भूले। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक बाय।